2018 में YouTube बहुत तेजी से फैल रहा था। उस टाइम पे इंडिया का सबसे बिगेस्ट इंडिविजुअल क्रिएटर बीबी की वाइंस था। बीबी की वाइंस का हर वीडियो कोई फिल्म रिलीज से कम नहीं होता था उस टाइम पे। जब भी कोई एपिसोड आता था, हम स्कूल में उसके बारे में डिस्कशन करते थे, इंस्टा के ग्रुप्स में उसके बारे में बातचीत होती थी, या फिर कमेंट सेक्शन में भी कभी कभार बातचीत हो जाती थी लोगों से उस एपिसोड के बारे में। तो ऑब्वियसली तब इतने सारे क्रिएटर्स नहीं थे, तो जब भी कोई बड़ा क्रिएटर अपलोड करता था, लोग जाके तुरंत उस वीडियो को देख लेते थे। अभी तो बीबी वीडियो नहीं डाल रहा है तो तुम किसी और को देख लोगे, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे हैं। बट तब ऐसा नहीं था। एनीवेज, सो ऐसे ही मैं एक दिन बैठा हुआ था एंड बीबी ने एक वीडियो अपलोड किया था। मैं उनका नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं रखता था तो मेरे को पता नहीं चला। बट 10-15 मिनट बाद मेरे को मेरे दोस्त का मैसेज आता है इंस्टा पे, और उसने कहा कि भाई तूने बीबी की वाइंस का नया वीडियो देखा क्या? मैंने कहा नहीं, एंड ऑब्वियसली मैं देखने चला गया यूट्यूब पे। एंड मुझे क्या पता था, उस वीडियो को देखने के बाद मेरी जिंदगी पलटने वाली है। उस वीडियो में ऐसा क्या था, वही जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वीडियो है। वीडियो का टाइटल है बीबी की वाइंस द सैक्रिफाइस, एंड इस पे करीब 17 मिलियन व्यूज है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा जो 15-16 साल का दिमाग था ना, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। एंड मैं चुप था बहुत देर इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, बिना किसी देरी के वीडियो को देख लेते तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। सो 1.5x में देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा इस वीडियो को। ओके, लेट्स गो। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो यार? आज कंपनी ने ऑफिस में सभी को बोनस दिया है 30,000 का, ये देखो चेक। चलो अब इस घर की किस्त भर देंगे इसी से, एक महीने की छुट्टी। पापा पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। अरे भुवन बेटा, ये देख ऑफिस से क्या मिला, दिखा दिखा। नहीं, मैं आप दोनों से कब से मांग रहा हूँ, मैं लैपटॉप चाहिए मुझे। है तो सही तेरे पास, वो पुराना हो गया, नए फीचर्स भी नहीं है उसमें। अच्छा, कितने तक का आ जाएगा? 40-45,000 तक का आएगा बस। थोड़ा महंगा नहीं है? आजकल सारे लैपटॉप इतने की आती हैं, और उसमें ना टच स्क्रीन भी है, और उसका प्रोसेसर एकदम नया है, उसमें नई नई गेम्स खेल सकते हैं, और एकदम लेटेस्ट मॉडल है। और प्लीज पापा यार, आप लोगों से मैं कब से मांग रहा हूँ, पर जरूरत क्या है? होगी तभी तो मांग रहा है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ कुछ। मैं बिल्कुल ऐसा था। 2017 में मैंने अपने पापा से जिद करके एक 25-30 हज़ार का लैपटॉप ले लिया था। हाँ भाई, भाई बोल दिया, पापा ने हाँ बोल दिया। क्या जरूरत है नए लैपटॉप की? जरूरत तो नहीं है, पर बच्चों को कौन समझाए, हम ही हैं जिनसे वो कुछ भी मान सकते हैं। मेरे पिताजी को सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो माँ से छुपकर सैर करने के बहाने रोज मार्केट निकल जाया करते थे। मैं भी छोटा था तो जिद करके उनके साथ चल पड़ता। मैं हर बार उनसे वो 5 रुपए वाली चॉकलेट मांगता था, और वो मुझे डांट के चुप करा देते थे, मना कर देते थे। एक दिन मैंने गुस्से में उनके पीठ पीछे से वो चॉकलेट चुरा ली। दुकानदार ने देख लिया, अब मुझे छोटे बच्चे को क्या बोलेगा, तो उसने पिताजी को खरी खोटी सुना दी। अगले एक हफ्ते तक वो मार्केट नहीं गई शर्म के मारे, और मैंने भी इसे छोड़ दी। एक दिन ऑफिस से घर आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में डब्बा है जिसमें 50-60 चॉकलेट है। मैंने पूछ लिया कि ये क्या है इतनी सारी चॉकलेट, तो कहते बेटा तू अपनी जिद छोड़ सकता है तो ये तो फिर भी सिगरेट है। सिगरेट के पैसे जोड़कर मेरे लिए महंगी वाली टॉफी ले आई। मेरी इतनी सी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी आदत छोड़ दी। कहते ना, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मेरे पिताजी ने वो चादर कभी छोटी पड़ने नहीं दी। मैं बहुत इमोशनल हो गया था इस लाइन को सुनके। पैर फैलाता गया और वो चादर लंबी करती गई। अगर वो मेरे लिए इतनी बड़ी आदत छोड़ सकते हैं तो ये तो फिर भी बोनस है। कल फिर मिल जाएगा, पर किस्त का क्या, समझ लेंगे, ऐसा कोई बोनस ही नहीं आया। ऊपर वाले ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, एक हाथ महीना और मेहनत करके चुका देंगे किस्त। अब इसकी ये जिद में मुझे अपना बचपन दिख रहा है, लेकिन चॉकलेट थोड़ी महंगी हो गई। नहीं बिल्कुल, यस, इस वीडियो में पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है जब हम उनसे कुछ चीजों के बारे में जिद करते हैं। ये वीडियो के लास्ट में जो कोट है ना, वो सिंपल है येट पावरफुल है। कई बार बस दोस्तों को नई चीज लेते देख हम भी अपने माँ बाप के पास जिद करते हैं उस चीज के बारे में जिसकी हमें जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमें सोशल स्टेटस मेंटेन करना होता है। अब माँ बाप भी अपने बच्चों को खुश करने के लिए अपने नीड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंड यही पूरे पिक्चर के बारे में बीबी ने बात किया है इस वीडियो में। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुमको आईफोन लेकर दिया होगा, बट उसके पीछे शायद वो कोई एंड्रॉइड पुराना स्मार्टफोन यूज करते होंगे। शायद तुमने उनको झूठ बोलकर एक गेमिंग पीसी ले लिया है कि मैम ने तो बोला है ऑनलाइन क्लासेस के लिए 1 लाख का पीसी चाहिए, बट उसके पीछे शायद वो ईएमआई भर रहे होंगे। शायद तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पास नहीं है। बेसिकली दे आर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग सो दैट तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको। बिलीव मी, मैंने जो गेमिंग पीसी वाला एग्जांपल दिया ना, मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है जब मैं अपना गेमिंग पीसी लेने गया था। एनीवेज, बीबी के उस वीडियो ने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। 1 रुपए भी कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ। वैसे मैं अपने पेरेंट्स के पास उस समय पे एक टॉय ड्रोन खरीदने के लिए जिद कर रहा था,
था जो कि 2-3 हज़ार रुपए का आता है, बट उस दिन आई डिसाइडेड कि यूट्यूब से पहला पेमेंट जब आएगा उससे 2-3 हज़ार रुपए लूंगा और ड्रोन खरीदूंगा। उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब तक यूट्यूब का पहला पेमेंट नहीं आता मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला। यूट्यूब के पैसों से याद आया, इतने सारे पैसों को मैनेज करना भी टफ होता है क्योंकि कभी ब्रांड डील से आते हैं तो कभी एडसेंस से। इन सब पैसों को मैनेज करने के लिए आप कॉर्नर ऐप को यूज कर सकते हो जो कि इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स के फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। इस ऐप से आप अपने सारे यूट्यूब के इनकम सोर्सेस को लिस्ट कर सकते हैं और आप अपना टोटल इनकम भी देख सकते हो। इवन अगर आप ब्रांड डील्स भी करते हैं तो इसमें बहुत आसानी से इनवॉइस भी बना सकते हो। इवन ब्रांड्स को रिमाइंडर भी भेज सकते हो अगर पेमेंट करने में लेट हुआ तो। ऑल्सो अपने चैनल के सारे स्टैट्स को भी बहुत आसानी से देख सकते हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन यह ऐप यूट्यूब द्वारा सर्टिफाइड है एंड 100% सिक्योर्ड है। इवन इसमें एक रेफरल प्रोग्राम भी है जहाँ पर आप अपने यूट्यूब फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो एंड डिपेंडिंग की उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपको 5,000 रुपए तक का इनाम मिलने वाला है। ऑल्सो आपको एक OnePlus Nord 2 भी मिलने वाला है अगर आप 50 सक्सेसफुल रेफरल कर देते हो तो। सभी जाके डाउनलोड करो, नीचे लिंक के साथ साथ मेरा कोड भी है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर मई में मेरा पहला पेमेंट आया था यूट्यूब से, एंड नहीं मैंने उससे ड्रोन नहीं लिया था, मैंने ये वाला माइक लिया था आधे पैसे यूज करके। एंड या उस दिन के बाद मैंने अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं मांगा है। हाँ जरूरत है तो मैंने मांगा है, बट अगर मुझे वो चीज़ सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है तो मैं नहीं मांगता उनसे। 2019 में मेरे दो दोस्तों के पास आईफोन्स थे एंड उनको उनके मम्मी डैडी ने गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे, बट मैंने आईफोन तब लिया जब जेन्युइनली मुझे उसकी ज़रूरत थी 2021 में, एंड हाँ अपने पैसे से लिया था। ऑल्सो बर्थडे से याद आया, पहले तो मैं बहुत ज़िद करता था कि बर्थडे पे ये दिला दो वो दिला दो, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मैंने बर्थडे पे गिफ्ट लेना बंद कर दिया था। हाँ बस इस साल उन्होंने मुझे ये बुक गिफ्ट किया था। ऑल्सो ये सब बता के मैं अपने आप को महान प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उस वीडियो ने मेरी थिंकिंग चेंज कर दी। दैट वीडियो लिटरली चेंज द वे आई लुक एट मनी, सो दैट्स वाई थैंक यू बीबी की वाइंस फॉर दैट वीडियो। अगर वो वीडियो ना होता तो शायद मुझे पैसों की अहमियत कभी पता नहीं चलती। अच्छा वो मैंने ठीक टाइम पे वो वीडियो देख लिया जिसके कारण मैंने अननेसेसरी खर्चा करना बंद कर दिया। वो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर कहते हैं ना, बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक फैंसी कार चाहिए या महंगी घड़ी चाहिए, बट असली में तुम्हें जो चाहिए वो है रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, एंड तुम्हें वो चीज सिर्फ काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी से ही मिलने वाली है। सो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट कर देना थैंक यू बीबी। एंड ऑल्सो बीबी की वाइंस ने मेरा यूट्यूब करियर भी एक बार चेंज कर दिया था। बिलीव नहीं होता तो इस वीडियो को क्लिक करके इसके व्यू काउंट को चेक कर लो। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि सैनिक करता कौन।